नमस्कार, G9 न्यूज की खास पेशकश खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज के दिन की कुछ खास खबरें। देश में आज फिर बढ़े कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले, 640 लोगों की हुई मौत। अयोध्या हाईवे पर डबल डेकर बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 18 लोगों की मौत, पीएम ने जताया शोक। कर्नाटका में येदुरप्पा के करीबी बसवराज बोम्मई आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आज लाल निशान पर हुई सेंसेक्स की शुरुआत, 15,700 के नीचे गिरा निफ्टी। पेगासस मामले में शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति ने आईटी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को किया तलब। संसद में केंद्र के खिलाफ विपक्ष की रणनीति तेज, स्थगन प्रस्ताव लाने की है तैयारी। बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर मिले पानी से बनी भाप के सबूत, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की है खोज। मथुरा में हुआ बिहार की एक किशोरी का सौदा, रिश्तेदारों ने 60,000 रुपए में बेचा, फिर युवक से जबरन कराई शादी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, ट्रक में टकराई टैक्सी, एक की मौत, वहीं दरोगा की कार से भिड़ी श्रद्धालुओं की गाड़ी, 7 लोग हुए घायल। मथुरा में चोरों ने तोड़ा इंडिया वन बैंक का एटीएम, गौरतलब ये है कि रकम नहीं ले जा सके चोर। तो ये थी आज की खबरें फटाफट। ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए G9 न्यूज।